देश में चुनावी माहौल है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब इसी बीच राहुल गांधी ने एक ऊटपटांग बयान दे डाला है। नमस्कार दोस्तों, नव 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवनीत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं, जिसमें वे खुद भ्रष्टाचार विज्ञान विषय के तहत चंदे का धंधा समेत हर चैप्टर खुद विस्तार से लिख रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्र एजेंसियों की छापेमारी से दान की रकम जुटा रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा कर पोस्ट में लिखा, छापेमारी कराकर दान कैसे लिया जाए, दान लेकर ठेके कैसे बांटे जाए, भ्रष्ट लोगों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, किस तरह से जांच एजेंसियों को रिकवरी एजेंट बनाकर जमानत और जेल का खेल खेला जाता है। राहुल गांधी ने लिखा कि भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी भाजपा ने अपने नेताओं को इस क्रैश कोर्स को जरूरी कर दिया है, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। राहुल गांधी के अनुसार इंडिया गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के इस स्कूल पर ताला लगाकर हमेशा के लिए इस कोर्स को बंद कर देगी। राहुल गांधी शनिवार को बिहार दौरे पर रहेंगे और भागलपुर में रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के साथ इस रैली में महागठबंधन के अन्य नेता भी शामिल होंगे। इनमें राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी शामिल होंगे। शुक्रवार को केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान को उदयपुर में एक रोड शो किया। इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कश्मीर को लेकर उनके अनुमानों को लेकर तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और राहुल बाबा कहते हैं कि अगर अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो हिंसा भड़क उठी। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, राहुल बाबा 5 साल बीत चुके हैं, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंसा की बात छोड़िए, किसी में एक पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं और देखते रहें नव 24 न्यूज।